ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगल ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानवमी संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है भगवद गीता के इस पांचवें अध्याय के दूसरे सत्र में। तो आज जो है हम भगवद गीता के श्लोक संख्या पांचवा अध्याय जो है जिसका नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, इसके श्लोक संख्या 11 से लेकर 20 की विवेचना करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हमने इस अध्याय में श्लोक संख्या 1 से 10 की विवेचना की है, जहाँ पे इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से और अर्जुन के कंफ्यूजन से। भगवान जो जिस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि संन्यास ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कर्म योग, सारे कर्मों का त्याग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कृष्ण भावना भावित कर्म। तो हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि भगवान जो है आगे क्या बताते हैं। अब हम उस सेक्शन में है जहाँ पे भगवान जो है निष्काम कर्म योग किस तरह से बंधन से बाहर निकलने का जरिया है वो बता रहे हैं, और आज जो है श्लोक संख्या 11 से हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा श्लोक संख्या 11। तो श्लोक संख्या 11, तो श्लोक संख्या 11 में भगवान कह रहे हैं काये नमनसा बुद्धया केवल्य इंद्रियारपि योगीनां कर्म कुर्वन्ति संगतत्वा आत्मशुद्धये। तो योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वार भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हमने देखा था कि किस तरह से जो शुद्ध भक्त होता है कृष्ण भावना भावित होता है कर्मयोगी होता है, वो कार्य जो भी करता है वो चूंकि वो सारा कार्य कृष्ण को समर्पित करके करता है, इसके लिए वो कर्मफलों के बंधन में नहीं बंधता, ठीक है। और वो क्या करता है, इंद्रियों को संयमित रखता है, वो सब कुछ करते हुए भी नहीं करता हुआ दिखाई देता है। हमने जैसे देखा कि कमल के पुष्प पे अगर पानी डाला जाए तो क्या होता है, वो उससे अछूता रहता है। उसी तरह से अगर कोई भक्ति करता है तो कर्म करते हुए भी वो कर्म नहीं करने के बराबर ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई कर्मफल नहीं लगता। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे, अगर सारी इंद्रियों का उपयोग जो है वो इंद्र तृप्ति के लिए करता है, तो ऐसे कार्य जो इंद्र तृप्ति की कामना से किए जाते हैं, ऐसे एक्शन जिनका कोई भोग करने की लालसा होती है, ऐसे एक्शन जो है, ऐसे कर्म जो है क्या है, वो बंधनकारी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की सेवा में जो भी कार्य करे, तो ऐसे कार्य जो है वो बंधन से मुक्त करने वाले हैं। जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है 1.2.187 में, यह यस्य हरिर्दोष्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वाप वा अपस्थासु जीवन मुक्त सोच्यते। तो अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी में से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त हो। तो जो कृष्ण भावना भावित कार्य कर रहा हो, जो भगवान की प्रसन्न, जैसे सकाम कर्म करते हैं, ऐसे लोग के कार्य करने का उद्देश्य क्या होता है, सकाम कर्म करने वालों के कार्य का उद्देश्य होता है किस तरह से उस कर्म से जो उपजित जो लाभ है या जो भी उसका प्रतिफल है उसका उपभोग किया जाए। लेकिन जो जीवन मुक्त है वो सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। क्यों भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, क्योंकि वो अपनी अपनी जो है अपनी स्थिति को समझता है कि वो क्या है, वो भगवान का नित्य दास है, और चूंकि उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती,
उसको कोई अटैचमेंट नहीं रहता उस फल से, तो इसके लिए उसका शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियां ये सारे कार्य किसके लिए करती हैं? शुद्धि के लिए करती हैं। ठीक है, तो जैसा कि भागवतम में कहा गया है कि हमें कोई भी कार्य जो है वो कृष्ण से पृथक नहीं करना चाहिए, भगवान से पृथक नहीं करना चाहिए। तो भगवान से पृथक नहीं करने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि अगर हम भगवान से पृथक कार्य करेंगे तो क्या होगा, वो बंध जाएंगे, किसी ना किसी तरह से हम कर्मफलों के बंधन में बन जाएंगे। लेकिन ये मनुष्य शरीर हमें किसके लिए मिला है? मनुष्य शरीर में हमें इस भौतिक जगत में भौतिक जगत में फंसने के लिए नहीं मिला है, कर्म फलों के बंधन से में फंसने के लिए नहीं मिला है। हमने 84 लाख योनियों में तरह तरह से जो है तरह तरह की शरीर प्राप्त किए, सब कुछ प्राप्त किए। तो ये मनुष्य शरीर जो है बहुत स्पेशल है, और इस मनुष्य शरीर का उपयोग क्या करना है? इस मनुष्य शरीर का उपयोग जो है बंधन को काटने के लिए करना है, ना कि और उस बंधन में बंधने के लिए करना है। तो मनुष्य शरीर जैसे कहते हैं दुर्लभ मानुष जन्म सत्संगी, तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ सत्संग है। तो जब सत्संग करेंगे तब जाके आपको ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में पता रहेगा। जैसे विषय लोक के संघ में आप रहते हैं तो आपको कभी ये पता ही नहीं चल पाता कि जो है आपके मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। आप जो है जानवर तुल्य जीवन जो है आहार निद्रा भय मैथुन के चक्र में फंसे रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता है मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन जब आप साधु संग करते हैं तब आपको पता चलता है, या जब शास्त्रों का संग करते हैं तब आपको पता चलता है कि मनुष्य जीवन कितना इंपॉर्टेंट है और इस मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हमारे जो भी कार्यकलाप है या जो भी एक्शंस है, जो भी कर्म है, वो हमें शुद्धिकरण के लिए करने चाहिए कि किस तरह से जो है मेरा भगवान के साथ जो मेरा संबंध है उसमें और दृढ़ता आ जाए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, धर्म स्वानुष्ठिता पुंसान विक्षसेना कथसुया न उत्पद्येत यदि रतिम शमयैव हि केवलम। तो अगर जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी एक्शन आप कर रहे हैं, जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, अगर उन क्रिया उन एक्शन उन प्रोजेक्ट उन उस जो भी चीज है, जो भी विषय वस्तु जो आप करना चाह रहे हैं, अगर वो विषय वस्तु करने से आपका कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ता, कृष्ण की कथा में रुचि नहीं बढ़ती, भगवान नाम में जप करने की रुचि नहीं बढ़ती, तो ऐसी जो एक्टिविटीज ऐसी जो गतिविधियां हैं जो आपको कृष्ण से दूर ले जाए, ऐसी गतिविधियां क्या है? कोराश्रम है। तो एक साधक, एक जो है भक्त, एक जो है आत्म साक्षात्कार के मार्ग और प्रगतिशील व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे कि वो कृष्ण से पृथक हो सके या भक्ति के मार्ग से च्युत हो जाए। क्यों? क्योंकि सारा जो कार्य है उसका वो सिर्फ अपने शुद्धिकरण के लिए कार्य करता है कि किस तरह से मैं इस भौतिक कलमश से परे हो जाऊं, मैं किस तरह से इस भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल सकूं, मैं किस तरह से इस आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेश के बाहर निकल सकूं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अगर किसी मकड़ जाल में फंस गया, मान लीजिए आप किसी परेशानी में फंस गए, आप बहुत भयंकर परेशानी में फंसे हुए हैं, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका क्या उद्देश्य रहता है? किस तरह से इस परेशानी से मैं जल्दी से जल्दी निकलूं। तो वैसे ही ये मनुष्य शरीर क्या है? एक परेशानी का घर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखिए हर चीज से हमें परेशानी मिलती रहती है, कहीं पड़ोसियों से परेशानी, कहीं प्रकृति से परेशानी, कहीं शरीर से परेशानी, कहीं मन से परेशानी है, परेशानियां ही परेशानियां है। तो जैसे कहीं आप ऐसी जगह पे फंस जाए और जहां पे ये आभास हो जाए कि ये गड़बड़ जगह है, तो आप क्या करते हैं? वहां से तुरंत निकलने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से हमें बुद्धिमानी का उपयोग करना चाहिए। ये जगत जो है शास्त्र चक्षु से हम देखते हैं तो समझ में आता है कि जगत जो है वो परेशानी का घर है, जगत दुखाले मां शाश्वतम है। तो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिंदगी भर अस्पताल में पड़े रहना चाहता है? अगर चाहता है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। हम कोई भी अस्पताल में पड़े रहना नहीं चाहते, जैसे हमारा रोग ठीक हो हम अस्पताल से बाहर आना चाहते हैं। उसी तरह से एक बुद्धिमान व्यक्ति वो जो सारे कार्य करता है वो इस जो अशाश्वत जगत है, जो दुखालय का घर है, इससे बाहर निकलने के लिए करता है। उसके अलावा उसका और कोई प्रयोजन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 12 पे। श्लोक संख्या 12 में भगवान क्या बता रहे हैं? श्लोक संख्या 12 में अब सारे चीज का एक समरी प्रस्तुत करें। श्लोक संख्या 12 में क्या कह रहे हैं? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आप्नोति नैष्टिकम्, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित करता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बंध जाता है। तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि जो कर्मयोगी है, जो शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्त जो है वो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, और जो जो भौतिकवादी व्यक्ति रहता है वो क्या, वो कर्म फलों से शरीर से आसक्त रहता है। तो भक्त और
जो अभक्त नहीं है, जो कर्मी व्यक्ति हैं, जो सिर्फ भोग वाले विलास वाले हैं, उनमें ये अंतर है कि जो भक्त होता है वो ये समझता है कि वो क्या है, वो शरीर नहीं आत्मा है, बल्कि दूसरे व्यक्ति जो भोग विलास में जानवर तुल्य जीवन जी रहे हैं, वो कभी ये नहीं जान पाते कि वो शरीर, वो आत्मा नहीं, वो आत्मा है, शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्टडी है, जो उनका इंटरेक्शन है या जो उनको बताया जाता है, उसमें आत्मा के विषय में कभी चर्चा ही नहीं होती। और चूंकि आत्मा और परमात्मा के विषय में कभी चर्चा ही नहीं होती, इसलिए इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं और क्या करते हैं, सारे चीज से विषयों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके उलट जो निश्चल भक्त है वो क्या करता है, वो शुद्ध शांति को प्राप्त करता है। क्यों शुद्ध शांति को प्राप्त करता है? क्यों? क्योंकि वो सारे कर्मफल किसे अर्पित करता है? भगवान को अर्पित करता है। तो आप लोग में से सारे लोग जो है वो शांति प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ या ना, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आप सारे लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, आपको एक रूल बता रहे हैं, थंब रूल बता रहे हैं कि शांति प्राप्त करने का थंब रूल क्या है। शांति प्राप्त करने का थंब रूल है कि एक व्यक्ति अपने सारे कर्म फल किसे अर्पित करेगा? भगवान को अर्पित करेगा। ठीक है, तो अगर आप सारा कुछ भगवान को अर्पित करते हैं तो आप कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं, और कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे तो मतलब पाप पुण्य के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि आप जो भी कुछ कार्य करिए, ये सोच के करिए कि मैं कृष्ण के निमित्त कर रहा हूँ, ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे कि आप भोजन बना रहे हैं, तो पहले हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, हम प्रायः क्या करते हैं, घर में रहते हैं तो प्रायः ये करते हैं कि पत्नियां जो है या माता जी लोग जो है प्रभु जी से पूछती हैं, आज क्या खाएंगे आप, आज क्या बना हुआ आपके लिए, और फिर पति जो है या घर वाले बच्चे कुछ तो बोलते हैं, ये बना लीजिए। लेकिन हमें क्या करना है, इस प्रवृत्ति को बदलना है। हमें ये पूछना चाहिए कि पतिदेव या बच्चे, आज भगवान के लिए हमें क्या बनाना है, भगवान को क्या भोग अर्पण करने के लिए क्या बनाना है। तो हमें इससे क्या होगा कि हमारी चेतना जो है, पहले हमारी चेतना क्या हो गई थी कि तुम क्या खाओगे, तो ये भोग की चेतना है, लेकिन वास्तविक में मालिक कौन है, भगवान है। तो जैसे अगर जैसे हम देखते भी हैं, अगर कोई नौकर या कोई घर पे जो काम करने वाला व्यक्ति है भोजन बनाता है जिसके भी, तो क्या करता है, अपने मन से जो भी बना लेता है। मतलब मान लीजिए नौकर को जो खाना बनाने वाला है उसको करेला पसंद है, तो बिना मालिक के पूछे करेला बना देगा, करेला लो करेला खाओ मालिक, नहीं वो करेला नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, घर के जो भी सदस्य हैं, जो भी बड़े लोग हैं, उनसे पूछेगा कि आज मालिक मैं आप लोगों के लिए क्या बनाऊं, आप क्या भोजन करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके उस एक एक जो एक जो वर्कर होता है, उसके कार्य की पराकाष्ठा क्या होती है, उसके कार्य का प्रयोजन क्या होता है, जिससे मालिक संतुष्ट हो। उसी तरह से सारे जगत के मालिक कौन है, भगवान है। तो शुद्ध भक्त जो है जानता है कि भगवान ही सारे विषय वस्तु के मालिक है, तो इसके लिए जो भी कार्य करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहता है। तो वो ये करता है कि जो भी करेगा वो ये सोचेगा कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे क्या, ये सोचेगा कि इससे भगवान को भगवान प्रसन्न होंगे कैसे पता चलेगा, शास्त्रों के अनुसार। तो शास्त्रों में जो लिखा है, शास्त्रों में जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति, भक्ति के साथ मुझे ये सारी चीजें दो। ठीक है, तो भगवान ने सारा कुछ जो है शास्त्रों में बता रखा है, तो उसके अनुरूप अगर हम कार्य करेंगे तो जो है हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो हम जब इस प्रवृत्ति में रहेंगे कि नहीं मुझे भगवान के लिए बनाना है, तो वही भोजन जो हम बना रहे हैं आप खाएंगे, वही भगवान भगवान जब आप भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि दो रोटियां कम हो जाए। तो कई जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं, अरे देखो आपकी जो प्लेट है वो जस की तस रह गई। नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान जो है उसमें खाते हैं, भगवान जो है पूर्ण से पूर्णमिदम है। जैसे भौतिक जगत में 1 + 1 ये 2 होता है, आध्यात्मिक जगत में 1 + 1 एक ही होता है। तो भगवान खाते भी हैं और उसमें से कम भी नहीं होता, क्योंकि वो पूर्ण से पूर्णमिदम है। तो आप देखिए कि जब कोई चीज आप भोग लगा के खाइए और कोई चीज बिना भोग लगा खाइए, तो उसमें एक अलग टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये भोजन जो है वो है तो भौतिक पदार्थों से बना, लेकिन चूंकि वो भगवान के संसर्ग में गया आया, इसलिए वो दिव्य हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेतना को बदलना है। दूसरा चीज, कोई धन उपार्जन कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो कैसे कर सकते हैं, अरे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा तो व्यवसाय है, तो मैं इसे भगवान को कैसे अर्पित करूँ? तो आप व्यवसाय करते हैं, तो आपका व्यवसाय करने का उद्देश्य क्या है, धन उपार्जन, उससे कुछ धन मिलता है। तो आप ये सोचिए कि इस धन का मैं कुछ हिस्सा जो है या पूरा धन जो है भगवान का है, इसको भगवान के लिए अर्पित करना है, भगवान की सेवा में है। भले आप वास्तविकता में प्रैक्टिकली जो भगवान की सेवा में ना लगाए, लेकिन आपकी चेतना वैसी होनी चाहिए। और अगर हो सके तो उसमें से कुछ धन जो है कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में आप उपयोग कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों का पालन पोषण मैं कैसे करूं भगवान को अर्पित? तो जैसे मेरे बच्चे हैं, तो ये बच्चे कहाँ से मिले, हमारे भगवान
भगवत कृपा से हमें मिले हमारे कर्म फलों के अनुसार, तो हमें ये सोच करके इनका पालन पोषण भरण पोषण में नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे बच्चे हैं। हाँ ठीक है, मेरे बच्चे हैं शरीर के, लेकिन क्या वास्तविकता में हमारे बच्चे हैं? नहीं, ये काल क्रम से हमारे संग में आए, ये शरीर धारण की इस आत्मा ने, और हमारा बच्चा माता पिता भाई बंधु पति पत्नी बने हैं, लेकिन क्या चिरकाल से हमारे हैं संगी? नहीं। शास्त्रों में बताया जाता है, भागवत में बताया गया है कि जो हमारे संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, ये संबंध जो है नदी में चल रहे दो तिनकों के समान होते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि जैसे दो तिनके जो है वो कालक्रम में नदी में बहती नदी में जो तिनके जो है साथ में आते हैं और साथ में आते हैं और धीरे धीरे वो बहते बहते जाते रहते हैं, बहते बहते जाते रहते हैं, और फिर क्या होता है कुछ जलकुंभी वगैरह आती है तो एक तिनका यहाँ चला जाता है, एक तिनका दूसरी तरफ चला जाता है और फिर वो कभी नहीं मिलते। उसी तरह से हमारे जो संबंध है ये ऐसे ही होते हैं कि हम आते हैं कालक्रम में एक साथ होते हैं और फिर चले जाते हैं तो कभी नहीं मिलते। जैसे ट्रेन में हम लोग कभी यात्रा कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे सामने जो है बहुत अच्छा व्यक्ति आ जाता है और वो व्यक्ति क्या करता है हमारे से बहुत अच्छा संबंध हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसका स्टेशन आता है वो चला जाता है और फिर प्रैक्टिकली हम लोग कभी उससे मिलते भी नहीं है कि वो व्यक्ति कौन था। हम बहुत कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था, उसने हमें अपना जो है पूरी सब्जी खिलाया था, हम उसको अपना करेला खिलाते हैं, इस तरह से जो है हम लोग आदान प्रदान करते हैं, लेकिन वो फिर वापस कभी नहीं मिलता। इसी तरह से जो जीवन है, जीवन में भी यही होता है कि हम लोग कालक्रम से साथ में आते हैं और फिर कुछ कुछ एक्शंस करते हैं और फिर चले जाते हैं, वापस कभी नहीं मिलते। तो हमें क्या चेतना होनी चाहिए? हमें ये चेतना होनी चाहिए कि भगवान आपने मुझे इन बच्चों को दिया, ये जिम्मेदारियां मेरे ऊपर दी है और मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं इनकी जिम्मेदारियों का जो मेरा कर्तव्य है एज अ माता पिता, जो भी मेरा कर्तव्य है उसका मैं अच्छे रूप से निर्वहन कर सकूं। हमें कभी भी उसके अंदर हमें कर्तव्य रूप से ही करना चाहिए उसके लिए, लेकिन हम क्या करते हैं ओनरशिप ले लेते हैं और फिर जो है हम परेशानी में जीते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑफिस में आप जाते हैं, ऑफिस में आप अपने 9 घंटे 100% ही सेवा करते हैं ना, जो भी आप काम है आप 100% दिया और उसके बाद घर चले जाते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब ऑफिस में कुछ अलग हो रहा है तो आप जो है 24 घंटे उधर ही बैठे रहेंगे, नहीं, आपका जो काम है आपने किया और चले गए। उसी तरह से हमें भी जो है अपने सारे कार्यों का निर्वहन उसी तरह से करना चाहिए कि मेरी सेवा थी और उस तरह से करा। ठीक है, ओनरशिप नहीं लेना चाहिए कि मेरे करने से हो रहा है। और जब कोई व्यक्ति सब कुछ भगवान को अर्पित करेगा तो क्या होगा, वो पूरी तरह से शांति प्राप्त होगा। शांति क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि वो भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित है, क्योंकि वो जानता है कि ओनर कौन है, ओनर भगवान है। तो जब जैसे मैं बिजनेस की बात करूं, जैसे ऑफिस में गए आप और अगले दिन जो है ऑफिस से वापस आए और ऑफिस में आग लग गई, करोड़ों का नुकसान हो गया, तो आप लोगों को दुख होता है क्या? हाँ, आप लोग बोल सकते हैं हाँ थोड़ा बहुत दुख होगा, लेकिन क्यों क्यों ज्यादा दुख नहीं होगा? क्यों ज्यादा दुख नहीं होगा कि आपको पता है ये आपका कुछ ओनरशिप नहीं है। अब चलो कोई दिक्कत नहीं है, बॉस देख लेगा या मालिक देख लेगा, मालिक का ये प्रॉब्लम। ठीक है, उसी तरह से जब हम ये सोचेंगे कि सब कुछ जो है वो मालिक का है, हम तो यहाँ पे नौकर हैं, तो कभी आपको जो है दुख होगा ही नहीं। दुख सिर्फ ओनरशिप से होता है और वास्तविक में सारे चीज का ओनर कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 13 पर। तो अब जो है श्लोक संख्या 13 में भगवान कह रहे हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य आसते, सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य आसते सुखम वसी नवदारे पुरे देई नय कुर्वत कार्यान। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन के समस्त कर्मों को परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रह सकता है। तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से जो है हम जो है शरीर में कैसे हम सुखी रह सकते हैं, और यहाँ पे आत्मा की भूमिका के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस शरीर में सुखी रहना है तो भगवान क्या करना चाहिए हमें, इस नौ देखिए अभी 9 द्वारों वाला जो क्या कहा गया नगर, तो ये हमारा शरीर जो है इसमें 9 द्वार है। तो 9 द्वार कौन कौन से है? तो 2 आंखें, 2 नथुने, नथुने के जो छिद्र है 2, उसके बाद 2 कान, 2 कान के जो छिद्र है, फिर 1 मुंह का छिद्र है, 1 गुदा और 1 उपस्थ। ये सारी चीजें जो है ये हमारे शरीर के 9 द्वारे हैं, और इस 9 द्वार में हम सारे लोग दुखी हैं। क्यों? तरह तरह के कष्ट झेल रहे हैं, तरह तरह के दुख है, कभी बीपी बढ़ गई, कभी ये हो गया, कभी ऐसे हो गया, कभी जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कभी क्या है सॉल्ट का लेवल कम हो गया है, कभी कैल्शियम कम हो गया, कभी प्लेटलेट कम हो गया, कभी ये बढ़ गया, कभी वो बढ़ गया, इसी शरीर में हम लोग क्या है दुखी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान जो है इस शरीर में सुखी रहने का फॉर्मूला बता रहे हैं,
क्या फॉर्मूला है शरीर में सुखी रहने के लिए? नौ द्वारे वाले शरीर में सुखपूर्वक कैसे रह सकता है, और ये नौ द्वारे वाले शरीर में कौन सुखपूर्वक रह रहा है, कौन रह रहा है, ये हमें समझना चाहिए। तो इस नौ द्वारे वाले, इस नौ द्वार वाले नगर में आत्मा रह रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये नगर जो है हम नगर नहीं है, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जब ये कहा गया नौ द्वार वाला नगर, तो ये अब इससे हमें समझ में आता है कि जो नौ द्वार वाला नगर और उसके जो रहवासी अलग अलग होंगे। जैसे हम कहें कि हम कलकत्ता शहर, तो कलकत्ता नगर हो गया और उस नगर में बहुत सारे निवासी रहते हैं। जैसे आप कलकत्ता से मान लीजिए, तो आप थोड़ी बोलते हैं कि मैं कलकत्ता हूँ, आप क्या बोलते हैं, मैं कलकत्ता में निवास करने वाला व्यक्ति हूँ, या कोई लखनऊ में रह रहा हो तो लखनऊ में रहने के कारण आप नहीं बोलते ना कि मैं, अगर मैं पूछू आपको नाम क्या है तो आप क्या बोलोगे, मेरा नाम लखनऊ है, आप क्या बोलते हो, नहीं मेरा नाम विवेक है और मैं लखनऊ का निवासी हूँ। तो अब जो है भगवान यहाँ पे आत्मा और शरीर का विज्ञान भी बता रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो समझने का ये है कि इससे हमें समझना चाहिए कि नौ द्वारों वाला नगर जो है, ये शरीर जो है आत्मा से पृथक है। तो ये नौ द्वार अभी आज समझ में, अगर पहले भी समझ में आया, भगवान यहाँ पे आत्मा और परमात्मा के विषय, आत्मा और शरीर के विषय बता रहे हैं। तो ये नगर अलग है और इसका निवासी जो है अलग है। तो मतलब शरीर अलग है और शरीर का निवासी जो आत्मा है वो अलग है। तो शरीर और आत्मा जो है वो दो भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। तो अगर आत्मा को इस शरीर में अगर ठीक से रहना है तो क्या करना होगा, अपनी प्रकृति को वश में कर्म। तो कैसे सुखपूर्वक रह सकते हैं हम लोग शरीर में, कि जब प्रकृति को वश में कर लेते हैं और मन को समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। तो प्रकृति को वश में कर लेने का अर्थ क्या है, प्रकृति को वश में कर लेने का अर्थ है कि सारा कार्य भगवान के लिए करना। तो भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियामानानी गुणे कर्माणे सर्वशा अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो जब कोई व्यक्ति, जैसे सारे जो जीव हैं वो प्रकृति के तीनों सत्व रजो तमो गुण में बंद करके कार्य करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जो है भगवान की शरण लेता है, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव प्रपद्यन्ते माया मेथाम तरन्ते। तो जब कोई भगवान कृष्ण की शरण लेता है तो वैसे ही सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसी तरह से जब कोई ये समझ जाता है कि उसका उसका इस शरीर से क्या संबंध है और परमात्मा के क्या के साथ क्या संबंध है, तो वो पूरी तरह से जो है सुखपूर्वक रहता है। तो जैसे हम समझ जाते हैं, जब तक हम ये सोचते हैं कि शरीर जो है हमारा है, इस शरीर से जो संबंधित जो सम, इस शरीर से संबंधित जो संबंध जो भी संबंध है, जो कॉल्ड भौतिक संबंध है, या इस शरीर से जनित जो भी रिश्ते हैं, या जो भी हमारी ये सब जो भी दिख रहा है, वो उसकी ओनरशिप मैं हूँ, वो मेरे कारण हो रहा है, तब तक हम दुख में रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि वो शरीर नहीं है, वो नगर का निवासी है, नगर नहीं है, इस नौ द्वारे वाले नगर में निवास कर रहा है लेकिन वो शरीर नहीं है। जैसे हम नहीं कहते हैं कि मैं कलकत्ता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कलकत्ता का निवासी हूँ। तो जब कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि ये नौ द्वारा वाला शरीर वो नहीं है, वो इससे पृथक आत्मा है और आत्मा का परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध है, तब क्या होता है, तब मान ली तब तब वो वास्तविक रूप से जो है समझने लगता है, और उसी समय जो है वो सारे शारीरिक कार्यों से विलग हो जाता है एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि अगर जैसे हम लोग हम ठीक है, हम इस शरीर में जैसे घर है, ठीक है, तो घर मान लीजिए छत आपकी टपक रही है, तो आपको उससे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि मैं इसको रिपेयर करा दूं। लेकिन अगर अगर छत जो है गिर जाए तो आपको कुछ दिक्कत होगी, या मतलब दिक्कत तो होगी लेकिन आपको कुछ उससे लेना देना है नहीं, आप उससे पृथक है। आपका एक समझ लीजिए छत गिर गई तो आप दूसरे घर में चले जाएंगे। उसी तरह से शरीर, ये शरीर जब क्षय हो जाता है तो आत्मा क्या है, दूसरे शरीर में चली जाती है और इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो और जब आप ये समझ जाएंगे कि ये शरीर आपके भोग के लिए नहीं है, हमारे हम क्या करते हैं, इस शरीर को अपना मान करके इसका उपभोग करते रहते हैं, इसे एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम शास्त्रों की संगत में आते हैं, भक्तों की संगत में आते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये शरीर का एक्चुअली मैं भी स्वामी नहीं हूँ, इस शरीर का स्वामी कोई और है। इस शरीर का स्वामी कौन है, भगवान है। और जैसे सारी इंद्रियों के स्वामी कौन है, भगवान ऋषिकेश। तो जब इस इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश है और जब हम इस इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में लगेंगे, तब जाकर के सही रूप में हम इसी इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं। तो सही इस इंद्रियों का उपयोग अपने उपभोग के लिए नहीं करना है, हमें इसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो जब इस इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब जाकर के इसका वास्तविक उपयोग करेंगे। और तब जाकर के जब हम इस इंद्रियों का, जैसे किसी का सामान है और आप चोरी कर ले तो आप क्या है, दंड के अधिकारी है, आपको दंड मिलेगा। लेकिन अगर किसी का सामान आपको उसकी सेवा में यूज कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्रेज मिलेगा, मतलब आपको जो है
लोग जो है सराहना करेंगे, यार चलो इसका समान था इसकी सेवा में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो जब जैसे कहा गया है कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछ करे माया देवी पासटे छापटिया धरे, तो जब हम कृष्ण को छोड़ करके जो है हम भोग करने के लिए जाते हैं तो तुरंत ही माया देवी क्या करती है, झपट के धर लेती है हमें। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पे श्वेतवाक्षर उपनिषद का वर्णन श्री प्रभुपाद जी देते हुए कह रहे हैं कि जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। तो भगवान जो है सारी चीजों के कंट्रोलर हैं, और यह शरीर 9 द्वारों से युक्त है, 2 आंख, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वो अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो शरीर में रहते हुए भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है और उस चीज को एकदम दृढ़ कर लेता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चेतना बहुत ही उन्नत चेतना है। जब हम ये समझ में आ जाए कि हम जैसे हम कह तो देते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी हम देहात्म बुद्धि से ग्रस्त रहते हैं, फिर भी शरीर को कुछ हो जाता है तो हमें दिक्कत होती है। लेकिन जब हम एकदम उन्नत अवस्था में आ जाएंगे, जब पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, तो आंतरिक और बाहरी रूप से दोनों मुक्त हो जाएंगे। आत्मा जो है मुक्त है लेकिन शरीर में आके जो है बद्ध हो गई है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि मेरा इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है तो आप क्या होते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो अगर आपको टेंशन फ्री होना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये पहली बात तो ये शरीर आपका नहीं है, इस शरीर से संबंधित आपके संबंध आपके नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस ये भी आपका नहीं है, और यहाँ पे उपस्थित सारी कुछ कोई भी चीज आपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो है यहाँ के है ही नहीं। ठीक है, आप कहाँ के हैं? आप तो चिन्मय धाम के हैं, आप तो भगवत धाम के हैं, आप तो ऐसे धाम के हैं जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा नहीं होता, जहाँ पे कोई गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, जब प्यार ही प्यार बने। तो ऐसे आप वैकुंठ जगत से आए हुए जीव है। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 14 में। श्लोक संख्या 14 में भगवान क्या कह रहे हैं, ना ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो श्लोक संख्या 14 में अब प्रकृति की भूमिका बता रहे हैं, किस तरह से कर्म करने में प्रकृति कितनी सहायक होती है। ठीक है, तो पहले आत्मा के विषय में बताया किस तरह से आत्मा जो है क्या करती है, आत्मा का क्या रोल है। अब जो है प्रकृति के विषय बता रहे हैं किस तरह से प्रकृति किसी कार्य में कैसे सहयोग करती है। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि जीव जो है वो क्या है, भगवान की पराशक्ति, जैसे 7वें अध्याय में बताया गया है, और इसके पृथक क्या है, अपराशक्ति, मतलब भौतिक प्रकृति। तो पराशक्ति क्या करती है, जैसे जीव क्या करता है, भौतिक प्रकृति है, जो ये प्रकृति है उसका दोहन करता रहता है, और जब इस दोहन जब वो इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो क्या होता है, इसका दोहन करने के कारण क्या होता है, वो इसको अपना मालिक समझ बैठता है या इसका कंट्रोलर समझ बैठता है। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि जैसे अभी जो जीव जीवात्मा जो है वो सच्चिदानंद है, लेकिन जब ये शरीर धारण करती है तो ये भौतिक शरीर जब धारण करती है तो शरीर में निवास करने के कारण उसको ये लगता है कि ये शरीर से ही उसका संबंध है वास्तविकता में। लेकिन क्या इस शरीर से उसका संबंध है? नहीं। लेकिन क्या क्या इसका इस शरीर से संबंध है? नहीं। जैसे हम लोग इस शरीर में आकर के निवास कर रहे हैं, लेकिन क्या ये शरीर हमारा है? नहीं है। लेकिन क्या होता है, जैसे आप किराए के कमरे में रहने लगे, किराए के कमरे में आप बहुत दिन से रह रहे हैं, या 1 साल रह रहे हैं, 2 साल रह रहे हैं, तो भी क्या होता है, उस घर पे रहने के कारण आपको एक प्रकार का अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है कि नहीं यार ये घर तो बहुत अच्छा है, ये अब मैं कैसे बाहर जाऊं। उसी तरह से जीव जो है वो मुक्त है, लेकिन जब इस शरीर में आता है तो क्या होता है, इस शरीर में आने से उसको आसक्त हो जाता है, और चूंकि वो आसक्त हो जाता है तो इसके जो इस शरीर से संबंधित जो भौतिक प्रकृति में वो इन द्वंद्वों में फंसा रहता है, कार्य करता रहता है और तरह तरह के जो है कर्मफल करता रहता है, पुण्य करता है, पाप करता है, और इस तरह से पाप और पुण्य के फल जो है वो भोगता रहता है इस शरीर के कारण। लेकिन लेकिन हमें समझना चाहिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीव जो जीवात्मा है वो कर्म का सृजन नहीं करता, और ना कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और ना कर्म फल की रचना करता है, ये सब प्रकृति के तीनों गुणों में कार्य होता रहता है। जैसे 3रे अध्याय में भगवान ने कहा था, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढात्मा कर्तामिति मन्यते। तो जीवात्मा जो है, जीव जो है वो इन तीनों से पृथक है, लेकिन प्रकृति के तीनों गुणों के संसर्ग में आकर वो तरह तरह के कार्यों में वो बंध जाता है, और इस तरह से वो अलग अलग योनियों में घूमता रहता है। तो जैसे अलग अलग योनियों में उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होता रहता है प्रकृति के तीनों गुणों से अर्जित कर्मफलों के द्वारा। ठीक है, तो इस
और इसके कारण वो कहीं सुख भोगता है, कहीं स्वर्ग लोक में चला जाता है, कहीं पाताल लोक में चला आता है, कहीं कुत्ता बन जाता है, कहीं बिल्ली बन जाता है, इस तरह से अलग अलग उसको योनियां मिलती रहती है। लेकिन जो ही कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो शरीर के कार्य से पृथक है, वो शरीर से उसका कुछ लेना देना नहीं, अपने स्वरूप को समझ जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है और उसका भगवान के साथ जो है शाश्वत संबंध है, और उसके लिए वो कार्य करने लगता है, भक्ति के कार्य करता है, ना कि उपभोग के कार्य करता है, तब जान लीजिए वो मुक्त होने के मार्ग पर प्रशस्त है। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें देखिए बार बार जो चीजें बार बार जो है दोहराती हुई लग रही है, लेकिन ये दोहराने का कारण क्या है, भगवान बार बार चीजों को बता रहे हैं कि चीज को, जिससे हम समझ जाएं, ये चीज हमारे दिमाग में घर कर जाए कि हम जो है जीवात्मा जो है इस जगत का है ही नहीं, हम जो है यहाँ पे बेवकूफी के वश जो है शरीर में फंस गए हैं। तो अब जब हम फंस गए हैं तो यहाँ पे हम इससे निकलने का प्रयास करें। ठीक है, तो हमें प्रकृति के तीनों गुणों को लांघना है, और प्रकृति के तीनों गुणों को कैसे लांगेंगे, जब हम भगवान की शरण लेंगे, और कलयुग में भगवान की शरण कैसे ले सकते हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम प्रकृति के तीनों गुणों में बंधे रहने के कारण हम क्या करते हैं, अलग अलग योनियों में जाते हैं, अलग अलग कार्यों के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त है और सुख और दुख का उपभोग करते रहते हैं। लेकिन ये जो चक्र है, ये जो विशेष साइकिल है, इसको हमें कट करना है। ठीक है, और जब तक हम इसको कट नहीं करेंगे तब तक सुख दुख के चक्र में ही फंसे रहेंगे। तो ये सुख दुख के चक्र में फंसे रहेंगे, तो हमें क्या करना है, इस सुख दुख के चक्र से निकल करके बाहर आना है। ठीक है, वो बाहर तब आ सकते हैं जो अपने स्वरूप को समझे कि मैं कौन हूं और भगवान से मेरा क्या संबंध है, और फिर मैं उस संबंध को स्थापित करने के मार्ग पर मैं लगा रहूं। ठीक है, तो इस तरह से प्रकृति क्या करती है, कार्य करने में हमें सहायक होती है। तो आगे हम देखेंगे किस तरह से तीनों चीज कार्य करते हैं। अब जो है यहाँ पे श्लोक संख्या 15 में आप बता रहे हैं कि अब परमात्मा का एक्शन, कोई भी कार्य करते हैं तो पहले में 10 क्या बताया कि जीव का कार्य क्या है, अब क्या बताया प्रकृति का कार्य क्या है, अब तीसरा भगवान का कार्य क्या है। तो कोई भी कार्य करते हैं तो इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तो भगवान जो है बता रहे हैं, न आद्यते कस्याचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को, किंतु सारे देवदारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया गया है। तो यहाँ पे भगवान को विभु कह के संबोधित किया गया है। तो विभु का अर्थ क्या होता है, हाँ तो विभु का अर्थ क्या होता है, विभु का अर्थ होता है कि जो, जैसे आत्मा जो है वो लघु है और परमात्मा जो है विभु है, तो आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझ लेते हैं। तो आत्मा क्या है, आत्मा के पास वही क्वालिटी है जो परमात्मा के पास है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आती है, क्वांटिटी में। तो जैसे सागर का पूरा पानी और सागर की एक बूंद, तो क्वालिटी के वाइज जो गुणात्मक जो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन है, उस वाटर के सागर के एक बूंद की वही केमिकल कॉम्पोजिशन है पूरे सागर के पानी की। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है अनुपात का, क्वांटिटी का। ठीक है, तो जीवात्मा जो है वो लघु है, परमात्मा जो है विभु है। और वो विभु क्यों है परमात्मा, परमात्मा इसलिए विभु है क्योंकि परमात्मा या भगवान जो है वो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। तो कौन कौन से 6 ऐश्वर्य अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो 6 ऐश्वर्य हैं, असीम ज्ञान, असीम बल, असीम धन, असीम यश, असीम सौंदर्य तथा असीम वैराग्य। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है भगवान में पूरी तरह से इस कारण यहाँ पे भगवान को विभु बताया गया है। और दूसरी चीज क्या है भगवान की क्वालिटी, कि भगवान जो है वो सर्वज्ञाता है, उन्हें सब कुछ पता है। ठीक है, और जीवात्मा को अपने ही शरीर थोड़ा ही कुछ पता है, जैसे हम लोग को अपने ही शरीर के बारे में पता है, लेकिन भगवान को सारे शरीरों के बारे में पता है। तो कैसे पता है, क्योंकि वो सारे सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते, कण कण में व्याप्त करते हैं। तो हमें अपने ही दुख दर्द पता है, मेरे दुख दर्द क्या है, मेरा टेंशन क्या है, मेरे घर में क्या आज रोटी बनी है कि नहीं, मेरा लड़के ने क्या किया, मेरी लड़की क्या कर रही है, मेरा पति क्या कर रहा है, मेरी पत्नी क्या कर रही है। लेकिन भगवान को सारे लोगों के विषय में सब कुछ पता है, क्यों, क्योंकि भगवान जो है वो सारे लोगों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। इस कारण से भी जो है भगवान जो है विभु है। और जो चीज है और क्या है, हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमें प्रयास करना चाहिए कि
हमें हमें ये प्रयास करना चाहिए कि ओके सॉरी तो हाँ तो क्या कह रहा था मैं कि भगवान जो है विभु है, तो भगवान को सब कुछ के बारे में पता है, सारे विषय वस्तु के बारे में पता है। क्यों? भगवान जो है वो सारे लोगों के हृदय में निवास करते हैं, ठीक है। और परमात्मा जो है कभी कर्मफल नहीं बनाते, भगवान जैसे कर्मफल में नहीं बनते, कर्म में नहीं बनते। जैसे भगवान भगवदगीता में कहते हैं, जैसे हम लोग जो है भगवान शरीर क्यों धारण करते हैं, भगवान अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि भगवान ने बताया था कि मैं जो हूँ अपनी इच्छा से जो है शरीर धारण करता हूँ, आत्म माया से। भगवान जो जो भी शरीर या जो भी अवतार लेते हैं अपनी इच्छा से लेते हैं, प्रकट अप्रकट अपनी इच्छा से होते हैं। लेकिन जीव जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार जो है वो अलग अलग इच्छा, प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार वो अलग अलग कर्म करता है, और इस कारण से जो है उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। और जीवात्मा जो है वो अपने कर्म फलों को भोगता है, दुख और सुख के मकड़ जाल में फंसा रहता है, लेकिन भगवान जो है इन सारे मकड़ जाल के बाहर रहता है। भगवान को इन सारे पाप और पुण्य से कोई दिक्कत नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवात्मा जैसा बोता है वैसा काटता है, ठीक है। भगवान जो है वो सर्व ज्ञाता है, लेकिन लेकिन और जीवात्मा भी जो है वो उसको कुछ ज्ञान है, लेकिन क्या उसे पूर्ण ज्ञान है? नहीं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वो शरीर को अपना मान करके एक अज्ञान में रहता है। तो जब तक हम इस देहात्म बुद्धि से ग्रस्त रहेंगे, जब तक हम ये शरीर ये समझते रहेंगे कि मैं शरीर हूं और ये शरीर जो है यही सब कुछ है, तब तक जो है हम अज्ञान के अंधकार में रहते हैं। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि भगवान जो है इन सारी चीजों के मालिक है और हम भगवान के दास हैं, तब जाके हमें जो है वास्तविक ज्ञान होता है। और भगवान जो है क्या करते हैं, भगवान जो है हमारे सारे कार्यों को वो सैंक्शन करते हैं। तो जीव जो है, हम जो है जीव कुछ इच्छा करता है, भौतिक प्रकृति उसको हेल्प करती है उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, और भगवान जो है सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। तो जीव, परमात्मा और प्रकृति, तो ये तीनों गुणों के कॉम्बिनेशन से ही कोई एक्शन होता है। तो जीव जीव इच्छा करता है, ठीक है, परमात्मा क्या करते हैं उसको टिक करते हैं, ओके तुम ये कर लो, और प्रकृति क्या करती है उस चीज को पूरा करने में हेल्प करती है। तो हम जीव जो हम कर्म करने की इच्छा करते हैं, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, ओके करते हैं, और भौतिक प्रकृति क्या करती है हमें उस कार्य को पूरा करने में हेल्प करती है। तो यही तीन चीजें जो है, जीव, परमात्मा और भौतिक प्रकृति, यही तीन चीजों के संसर्ग से ही जो है कोई भी कार्य क्रिया जो है पूरी होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्ट में कि पहले जीव इच्छा करता है, और जीव इच्छा करता है और वो चीज किसके पास जाती है? परमात्मा के पास। परमात्मा क्या करते हैं? भौतिक प्रकृति इसको, परमात्मा उसको ओके करते हैं, हाँ ठीक है कर लो। और उसके बाद भौतिक प्रकृति क्या है? प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा जो है जीव की इच्छा पूर्ति होती है, ठीक है। तो कर्ता और कारक इसमें इस चार्ट में आपको समझ सकता हो। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक जीव आत्मा है, बूढ़ा सा नहीं, जीव तो जवान है, तो परमात्मा से कुछ इच्छा कर रहा है, भगवान उसकी इच्छा को ओके करते हैं, सैंक्शनिंग करते हैं, और भौतिक प्रकृति के तीनों गुण जो है उसको हेल्प करने में, उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो हमें समझना चाहिए आत्मा क्या करता है, आत्मा का कार्य क्या है, कोई भी क्रिया करने के लिए, एक्शन करने के लिए आत्मा का कार्य है इच्छा करना। तो आत्मा जो है अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करके वस्तुओं की आशा करता है, परमात्मा क्या करते हैं उसको मंजूर करते हैं, ठीक है आपकी ये इच्छा, आपको ये चाहिए, कोई बात नहीं बेटा लेके जाओ, ऐश करो तुम भी। और भौतिक प्रकृति क्या करती है? उस इच्छा को पूरा करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब जो है श्लोक संख्या 17 से लेके 29 तक भगवान जो है वो मुक्ति किस तरह से, भगवत चेतना युक्त होके मुक्ति कैसे मिलेगी इसके बारे में बताते हैं। तो हम जो है श्लोक संख्या 17 पे आते हैं, श्लोक संख्या 16 पे, सॉरी। तो श्लोक संख्या 16 पे भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 16 में कि ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नाशितम आत्मना तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। तो किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिसमें अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। तो जब कोई इस आध्यात्मिक ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है कि किस तरह से भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, वो भगवान से अपने संबंध को जान जाता है, तो उसका मोह जो है वो दूर हो जाता है। और जैसे कोई व्यक्ति जो है पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो क्या होता है उसके अविद्या का विनाश हो जाता है। तो अविद्या क्या है? शरीर को सब कुछ मानना ही अविद्या है। लेकिन जब हम शरीर के ऊपर से उठकर आत्मा के स्तर पर आते हैं, तो हमें समझ लीजिए पूर्ण ज्ञान है,
तो यहाँ पे कहा गया, भगवान कह रहे हैं कि उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश में सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि सूर्य है, कृष्ण है, सूर्य सब माया अंधकार, जहर है कृष्ण तहे नहीं माया रे अधिकार। तो जब जब तक कोई व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर नहीं आता, जब तक कोई व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार के पथ पर नहीं चलता या आगे नहीं बढ़ता, तब तक वो अंधकार में जी रहा होता है। अंधकार में जी रहा होता है मतलब वो पशु पशु तुल्य जीवन जी रहा होता है, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में। लेकिन जब कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ता है, या ये प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं दुख नहीं चाहता हूँ फिर भी दुख आ रहा है, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ फिर भी चीजें मेरे ऊपर फोर्स की जा रही है, और इससे कैसे बाहर निकलना है, जब तक कोई व्यक्ति ये प्रश्न नहीं करता और ये प्रश्न की जिज्ञासा लेकर किसी प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जाता, तब तक वो व्यक्ति जो है वो अंधकार में रहता है। जैसे भगवद गीता में ही भगवान बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर जाने वाला व्यक्ति जो है बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, भक्ति जैसे आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप देखिए कितने सारे लोग जो है वो आत्म साक्षात्कार के लिए या भगवत धाम प्राप्ति या भगवत प्राप्ति के लिए या भगवत प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार के पथ पर या आगे बढ़ने के लिए कितने प्रगतिशील है। अगर उनको पूछे उनके जीवन का उद्देश्य क्या है तो सारे लोग यही बोलेंगे, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा लूँ, उनको सेट कर लूँ, बेटी की शादी कर लूँ, बैंक बैलेंस थोड़ा सा बढ़ा लूँ, ये थोड़ा सा जमा कर लूँ, ऑस्ट्रेलिया इंडिया यहाँ सब पे घूम के आ जाऊं, और फिर जो है मैं शांति से मर सकता हूँ, या कोई ना कोई वो आपको गोल बता देंगे ये मेरे जीवन का गोल है। लेकिन वो कोई हार्डली कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन का गोल ये होगा कि वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। तो 99.99% लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो उसमें फंसे रहना चाहते हैं, किसमें, 99% लोग जो है वो पशु तुल्य जीवन जीते रहते हैं, लेकिन कुछ ही एक व्यक्ति जो है वो आत्म साक्षात्कार के पद पर आगे बढ़ते हैं। जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, मौनाम जन्म मानन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसे दुर्लभ व्यक्ति ही होते हैं जो आत्म साक्षात्कार के पद पर आते हैं, और आप देखेंगे जो ये आत्म साक्षात्कार के पद पर आगे बढ़ते हैं यही व्यक्ति जो है वास्तविकता में कुछ जान पाते हैं, वो वास्तविकता में कुछ समझ पाते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा है, भौतिक ज्ञान जो है वो पूरा अंधकार है, भौतिक ज्ञान जो है वो पूरा अंधकार की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि भौतिक ज्ञान जो है वो शरीर के स्तर पे होता है, लेकिन क्या हम शरीर है? नहीं, हम शरीर से पृथक आत्मा है। तो जब तक कोई व्यक्ति जो है आध्यात्म के स्तर पे नहीं आता, जब तक कोई व्यक्ति जो है वो ये समझने के स्तर पे नहीं आता कि वो शरीर नहीं है, शरीर से पृथक है आत्मा, तब तक वो कितनी भी साइंटिफिक एडवांस कर ले, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ले, उसे कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और ये ज्ञान कब उपजेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जब कोई व्यक्ति जो है वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा, शास्त्रों का संग लेगा, भगवद गीता भागवतम इत्यादि पढ़ेगा। और भगवद गीता भागवतम इत्यादि किसके संग में पढ़ना चाहिए? प्रामाणिक गुरु के शरण में। तो प्रामाणिक गुरु ही जो व्यक्ति है जो आपके जीवन में अंधकार रूपी जो घना अंधेरा छाया है उसको जो है सूर्य के प्रकाश की भांति जब वो ज्ञान का जो टॉर्च जलाएगा तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। तो हम सारे लोग पहले ही अंधकार में थे, जैसे इसीलिए कहा जाता है ओम अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानञ्जन चला गया। तो मतलब हम अंधकार में जीवन में पशु तुल्य जीवन जी रहे थे, आहार निद्रा भय मैथुन में जी रहे थे, लेकिन गुरु ने क्या किया, हमें टॉर्च दिलाया, शास्त्रों का जो टॉर्च है दिमाग की बत्ती हमारी जलाई कि नहीं जी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है इससे कहीं अलग है, और तब जा करके हमें जो है दूध का दूध और पानी का पानी आने लगा, दिखने लगा। तो ये कब होगा? जब हम किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएंगे। तो प्रामाणिक गुरु की शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे सबसे, तो फिर प्रामाणिक गुरु कौन है? तो सबसे बड़ा प्रामाणिक गुरु परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, वो सबके आदि गुरु है। भगवद गीता में जो उन्होंने कहा वो सारे उनके इंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमें भगवदगीता समझ में आएगी क्या? आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बार भगवदगीता पढ़ने का प्रयास किया होगा, लेकिन क्या उसका मर्म समझ में आया? या मैंने खुद ही बहुत सारे बार प्रयास किया लेकिन मर्म समझ में आया नहीं, लेकिन जब प्रामाणिक गुरु के शरण में गया, प्रामाणिक गुरु से हमने शिक्षा ली, श्लोक रूपाद की शरण में आए, श्लोक रूपाद से शिक्षाएं ली, उनके इंस्ट्रक्शन को पालन किया, उनके जो अनुयायी है उनके इंस्ट्रक्शन को समझ, उनके द्वारा जो है भगवदगीता समझने का प्रयास किया, तब जाकर चीजें जो है वो साफ होती गई। इसी तरह से जो है हमारा ज्ञान जो है तब दूर होगा जब हम प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर के हम जिज्ञासा करेंगे। कैसे जिज्ञासा करेंगे? विनम्रता से, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सतत दर्शना। तब जाके हमारा अविद्या का विनाश होगा। अविद्या क्या है? अध्यात्म बुद्धि से ग्रस्त होना अविद्या है, और अपने स्वरूप को समझना, भगवान के साथ अपने संबंध को समझना और संबंध को निभाने का प्रयास करना या निभाना, ये जो है ज्ञान है। और भगवान के साथ हम अपने संबंध को कैसे निभा सकते हैं? कैसे उसको वो कर सकते हैं? उनकी भक्ति करके। तो उनकी भक्ति कैसे करेंगे? उनके पवित्र नामों का जप करके।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 17 पे। तो श्लोक संख्या 17 पे भगवान कहते हैं, तद्बुद्धाय तत्मान तत् आत्मनम तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुन आवृतम ज्ञानम निर्दुद्ध कल्मषा। तो भगवान कह रहे हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाती है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो हमें समझना चाहिए, अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब 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 मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर होती है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मशों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ किसमें स्थिर करनी होनी है, कृष्ण में स्थिर करनी है। तो भगवद गीता में कृष्ण बार बार कहते हैं, मत चित्ता मत भगत प्राणा बोधयंता परस्परम, या मत परतरम नान्या किस्ति अस्ति धनंजया। तो हमें ये समझना चाहिए कि सब कुछ जो है भगवान से पृथक कोई भी चीज नहीं है, और जब भगवान से पृथक कोई भी चीज नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है, भगवान के द्वारा निमित्त है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना फोकस किसके पे लगाना है, हमारा फोकस जो है वो किस में रहना चाहिए, भगवान में रहना चाहिए। और यहाँ पे हमें समझ में आता है, जब हमारा फोकस भगवान से इतर कहीं और जाता है तो क्या करता है, हमें बांध लेता है, अटका लेता है। लेकिन भगवान पे ही सारा फोकस, बुद्धि, मन, श्रद्धा सब कुछ अगर भगवान में स्थिर हो, तभी जान करके हमें पूर्ण ज्ञान है, समझ लीजिए, और तभी जो है हम भौतिक कर्मों से शुद्ध हो सकते हैं। तो हमारे हमारे भौतिक कर्मों का क्या कारण है, भगवान से पृथक होकर चीजों को प्राप्त करने की आशा, भगवान से पृथक होकर कार्य करने की अभिलाषा, भगवान से पृथक होकर एंजॉय करने की अभिलाषा है। लेकिन जब हम पूरी तरह से मनसा वाचा कर्मणा से जब पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तब जाकर के जो है हम पूरी तरह से भौतिक कल्मषों से मुक्त हो जाते हैं और मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो जाते हैं। मुक्ति किससे, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, और भगवान में पूरी तरह स्थित होने का इस कलयुग में सबसे सरल तरीका क्या है, मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण किस तरह से हम भगवान की ले सकते हैं कलयुग में, वो है उनके पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जब हम पूरी तरह से भगवान का ध्यान करते हैं कलयुग में, भगवान का ध्यान उनके पवित्र नामों का जप करके करते हैं, जब हम पूरी तरह निरंतर भगवान का जप करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो क्या होता है, हमारे जब भगवान के नामों का जप करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है। ठीक है, कैसे शुद्धिकरण होता है, काम क्रोध लोभ मोह, ये हरिनाम का जप जो है क्या है, ये चेतो दर्पण मार्जन, हमें हमारे चित्त का मार्जन करता है, हमारे चित्त में स्थित जो कलेश है, कलमश है, उसको दूर करता है। और जब ये धीरे 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 जब हम जप करते रहते हैं, निरंतर भक्तों का संग ले रहते हैं, भगवद गीता का श्रवण करते हैं, भागवतम का अध्ययन करते हैं, इस तरह से जब हम करते रहते हैं, तो हमारे जो कलमश है, भौतिक कलमश है, वो दूर हो जाते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं। और जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, तब जा करके हम भगवत प्राप्ति के लिए एकदम ही परफेक्ट कैंडिडेट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 18 में। अब श्लोक संख्या 18 में एक आत्मसिद्ध व्यक्ति के लक्षण की, उसका लक्षण क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, इसके विषय में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचय वसोपाके चा पंडिता समदर्शिना। तो समदर्शी व्यक्ति कौन है, आत्मसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो विनय विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो हमें समझना चाहिए कि जो आत्मसिद्ध व्यक्ति है, कृष्ण भावना भावित भक्त जो होता है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता, वो ये नहीं सोचता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये काला है, ये गोरा है, ये नीला है, ये हरा है, ये पीला है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, वो किसी में भेद नहीं करता। क्यों नहीं करता, वो सबको समान रूप से देखता है कि सारे लोग के अंदर परमात्मा रूप में भगवान निवास कर रहे हैं। तो जब भक्त प्रचार करने जाता है तो ये नहीं देखता कि मैं हिंदू को प्रचार करूंगा या मुस्लिम को प्रचार करूंगा, या ये महिला है मैं इसको प्रचार नहीं करूंगा, या जो ये चांडाल है इसको प्रचार नहीं करूंगा, या तो चाइनीज है इसको प्रचार नहीं करूंगा। श्री प्रभुपाद जी जब प्रचार करने गए थे तो उन्होंने सबको प्रचार किया, चाइनीज को, अफ्रीकन को, ऑस्ट्रेलियन को, निगरों को, स्त्री पुरुष, ये वो, एक्स वाई जेड, टॉम डिक एंड हैरी, सबको प्रचार किया। क्यों, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है वो सबको, सबके हृदय में परमात्मा के निवास को देखता है, और वो जानता है कि अगर आज कोई कुत्ता बनाए, आज कोई बिल्ली बनाए, आज कोई जो ब्राह्मण बनाए, कोई क्षत्रिय बनाए, कोई वैश्य बनाए, कोई शूद्र बनाए, तो ये किस कारण से हुआ है, ये उसके कर्म फलों के कारण से हुआ है, और वो इसकी इतनी
इतनी जो है वो यथार्थ ज्ञान में इतना वो उन्नत होता है कि वो किसी से किसी को पृथक करके नहीं देख पाता। तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है, साधु पुरुष का लक्षण बताते हुए कहा गया है, तितिक्ष्वाकारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम, तितिक्ष्वाकारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांतेवा साधु साधु भूषणम। तो जो साधु पुरुष होता है वो तितिक्ष्वा टॉलरेट करता है, तितिक्ष्वाकारुणिका उसके अंदर दया होती है, सुहृदम सर्वदेहिनाम वो सब लोगों का सुहृद होता है, वो किसी का दुश्मन नहीं होता, वो किसी के वो सबका वेल विशर होता है। क्यों सबका वेल विशर होता है? क्योंकि वो जानता है कि सारे लोग जो है भगवान के अंश हैं, तो इसी के लिए वो हर जगह करुणा में रहता है, वो सबके ऊपर करुणा करता है। इनफैक्ट जो साधु व्यक्ति होता है वो किसी चींटी को भी कष्ट नहीं देता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मच्छर मारते हैं ना, ये कट 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 बैठ लेगा तो पटपटाते हैं, पट 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 पट। कई लोग जो है मांस खाते हैं, अरे कई लोग बोलते हैं अगर हम लोग ये मछली वछली नहीं खाएंगे तो मछली की पॉपुलेशन जो है बहुत बढ़ जाएगी, या कई लोग जो चिकन पिकन खाते हैं, क्यों चिकन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? नहीं, हमें इस तरह से नहीं करना है, किसी की हत्या नहीं करनी, किसी को मारना नहीं है, किसी का कत्ल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सारे जीवों के अंदर जो है परमात्मा निवास करते हैं, और अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि सब ये जो है ये डिफरेंट है, इसको हमें मार सकते हैं। जैसे एक पिताजी के 3 बच्चे हो, ठीक है, और 2 बच्चे जो है पढ़ लिखे IIT IIM से जो है, और बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास है, और कोई जो है अमेरिका में सेटल है, यहाँ सेटल है, वहां सेटल, और तीसरा व्यक्ति जो मंद बुद्धि हो, मूक बधिर हो, तो 2 बच्चे दो ये दोनों भाई जो है वो डिसाइड करते हैं, पिताजी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि पिताजी ऐसा है, देखिए कि ये जो सब तो ठीक है, हम लोग देखिए हम लोग पढ़ लिख के जो है इतना पैसा कमा रहे हैं और इतना बड़ा बिजनेस है, एम्पायर है इतना बड़ा, लेकिन ये जो हमारा छोटा भाई है ना, निठल्ला है, ये गूंगा बहरा है, और ये कुछ नहीं है, समाज के ऊपर राष्ट्र के ऊपर एक बोझ है, क्योंकि ये कुछ उत्पादन नहीं कर रहा है, कोई इकोनॉमी में GDP में हेल्प नहीं कर रहा है, कोई धन उपार्जन में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो ऐसा करते ना, ये इतना पैसा खा रहा है और इसके ऊपर जो है पैसा ही खर्च हो रहा है, तो ऐसा करते ना इसको मार देते हैं। तो पिताजी क्या बोलेंगे, आप चैट बॉक्स में लिखिए, पिताजी ये बोलेंगे कि तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू ये क्या तेरे भरोसे है, मैं इनका भरण पोषण कर रहा हूं ना, तू क्यों इनकी चिंता कर रहा है, ठीक है, और ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, ये भले ही मूक बधिर है लेकिन इसका भरण पोषण मैं कर रहा हूँ। उसी तरह से ये जानवर जो है वो भले ही मूक बधिर है, बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या हमें इसका अधिकार है कि इनको हलाल करके हम लोग खा ले? मार जिस तरह से आप एक अपने मूक बधिर बच्चों को मार के फेंक नहीं देते, तो आपको क्या अधिकार है कि बकरी के बच्चे को, मुर्गी के बच्चे को, या सांप को, या मछली के बच्चे को आप मार करके खा लो? किसने आपको ठेका दिया है मारने? तो अगर आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो आप सबसे निकृष्ट व्यक्ति हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है सबका भरण पोषण कर रहे हैं, हमें ये नहीं कई लोग क्या सोचते हैं, कुत्ते को रोटी दे देते हैं या चिड़िया को दाना फेंक देते हैं, तो लोग बहुत सोचते अपने आप को बहादुर समझते हैं, मैं बहुत बहादुर, चिड़िया को मैं अन्न दे रहा हूँ, अरे बेवकूफ तू क्या अन्न देगा, ठीक है, भगवान जो है सबके लिए व्यवस्था करके रखे हैं, जब मुंह फाड़े हैं ना तो खाना देंगे। हम लोग किसका भरण पोषण कर सकते हैं? हम किसी का भरण पोषण नहीं कर सकते। तो शास्त्रों में कहा नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुधा विदधाति कामान। तो हम लोग कुछ लोगों को खिला सकते हैं लेकिन भगवान जो है सबको खिलाते हैं। हाथी जो है रोज किलोज में खाता है, 10-20-40-60 किलो खाता है, तो क्या आप कोई आप पहुंचाने जाते हैं, चलो फॉरेस्ट में जाता हूं मैं हाथी को दे के आता हूं 40 किलो, नहीं तो बेचारा भूखा रह जाएगा। एक कुत्ते को रोटी खिला दिया, बिल्ली को दूध दिया, चिड़िया को दाना दे दिया, तो हम सोचते हैं हम चिड़िया को दे रहे हैं। कई लोग बोलते हैं गर्मी आ रही है कौए के लिए पानी रखो बाहर, कटोरी में पानी रखो, कौआ पिएगा। अरे उसके कौए के लिए अरेंजमेंट भगवान ने कर रखी है। कभी आदमी जो ये आदमी ऐसा प्राणी है जो खाने के लिए मर रहा है, आदमी ऐसा प्राणी है जो है वो इकट्ठा करता है, ज्यादा इतना इकट्ठा करेगा ना ज्यादा खाने से मर रहा है। कभी आपने देखा है कुत्ता जो है कुत्ते को रोटी फेंके वो खाएगा और लेके जाएगा, ला लेके जाता हूं मेरा चिल्लू पिल्लू को खिला दूंगा? नहीं, वो खुद ही खाएगा पेट भर के, और जो उसके बच्चे उतना खाएंगे और उसके बाद वहां से हट जाएंगे, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि कल भोजन का जुगाड़ होगा। लेकिन हम जो है हम इतने बेवकूफ हैं, हम सोचते हैं कि हम जो है भोजन का जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मलुक दास जी ने कहा था, पंची करे न चाकरी, अजगर करे न काम, कह गए दास मलुक जी सबके दाता राम। सबके दाता राम है, तो हमें ये कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि हम किसी भी जीव को मार करके उसको खा ले। तो यही जो है आत्मसिद्ध व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में यही अंतर है, ठीक है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें जो है एक जो आत्मशुद्ध व्यक्ति होता है वो क्या करता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, किसी से वो द्वेष नहीं करता, सब जो है उसके लिए समान ही है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो समदर्शी व्यक्ति तब आप बन पाएंगे जब आप आत्म साक्षात्कार के ज्ञान पे जो है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर जो है प्रशस्त होंगे, जब शास्त्रों का ज्ञान आपको होगा। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप जो है कुत्ते को रोटी मत दीजिए, या दाना मत फेंकिए, या जो है पानी जो है कटोरी में मत रखिए। मेरा कहने का मतलब है आप रखिए, करिए, कोई अच्छी बात नहीं है, पुण्य की बात है, आप हेल्प करिए। लेकिन कभी भी ये सोच के मत करिए कि मैं कर रहा हूँ इसकी वजह से मुझे ये लोग जो खाना मिल रहा है, या मैं कर रहा हूँ तो इनको इसको भोजन मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि सबका अरेंजमेंट भगवान ने कर रखा है। तो मैं यहाँ पे किसी को भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ, या मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऐसा मत करिए। ये कर रहे, जैसे हमारे शास्त्रों में सर्वे भवन्ति सुखिनः, तो सबके लिए व्यवस्था की जाती है। जैसे कहा जाता है कि जो भोजन, जो घर की पहली रोटी होती है वो किसको दी जाती है, वो पहली रोटी जो है वो गाय को दी जाती है, और आखिरी रोटी जो है कुत्ते को दी जाती है। तो आजकल जो है क्या हो गया, आजकल जो है गाय और कुत्ते, आज हम शहरों में रहते हैं और कुत्ते वगैरह गाय वगैरह तो आती नहीं, बड़ी बड़ी अपार्टमेंट में रहते हैं, गाय कुत्ता आता नहीं। तो अब क्या हो गया कि स्त्रियां जब खाना बनाती हैं तो पहला रोटी जो है पति को दे देती है। तो पति जो है क्या हो गया है, पति जो है गाय 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 बन गया है, पति जो है गाय की तरह हो गया है, और आखिरी रोटी जो है वो खुद खा लेती है। तो आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि वो क्या बन जाती है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, कोई सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक जोक था। हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। वो श्लोक संख्या 19 में, तो श्लोक संख्या 19 में भगवान कह रहे हैं कि यह एव तैजिता सर्गो येषां सम्यक् स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्मात् ब्राह्मणि ते स्थितः। तो जिनका मन एकत्व तथा समता में स्थित है, जिन्होंने और उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है तथा सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। तो ये यहाँ पे एकत्व, एकत्व का कहने का अर्थ है कि जो ये समझ लिया है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, और भगवान के साथ उसका शाश्वत संबंध है, और वो भगवान से पृथक नहीं है, आत्मा होने के कारण उसका स्वरूप जो है वो क्या है, उसका स्वरूप है कि भगवान का नित्य दास है, और वो उस कार्य पे निरंतर लगा हुआ है, भक्ति के मार्ग पर निरंतर लगा हुआ है, भक्तों का संग कर रहा है, भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहा है, भगवत प्रसाद खा रहा है, भगवत शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, और भगवत भक्तों का संग ले रहा है। तो वो ऐसा व्यक्ति जो है वो जन्म मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है, क्योंकि जो पूरी तरह से भक्ति के मार्ग में सब कुछ मनसा वाचा कर्मणा से जो है वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है, उसका किसी से बैर नहीं, सब जगह वो कृष्ण को देख रहा है और उसका सारी इंद्रियों पे कंट्रोल है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है वो इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि उसको इस जगत की दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो हम अगर भक्ति करेंगे, अगर हम जो है पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होंगे, अगर हम पूरी तरह से जो है भगवान को समर्पित होंगे, तो हमें अलग से जो है मुक्त होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस शरीर में रहते हुए भी अगर हम सब कुछ अपनी स्थिति को जानते हैं, समझते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान से हमारा संबंध जो है शाश्वत है, जगत में जो है इस जगत से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, और पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे, तो हमें पूरी गारंटी है कि हमें इस शरीर में, इस 84 लाख के चक्कर में पुनः आने की जरूरत नहीं है, और हम इसी शरीर में ही सुख भोगेंगे, सुख सुखमय स्थिति में रह सकेंगे। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया, किस तरह से सुख और शांति जो है वो पाने के लिए अलग से कहीं जाना नहीं है, अपने स्वरूप को ही समझ लेना, और उस स्वरूप को समझ करके कार्य करना ही हमें जो है वास्तविक सुख और शांति प्रदान कर सकती है। और इस तरह जो है हम आसानी से जन्म और मृत्यु के स्तर को, जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आज के अध्याय का आखिरी श्लोक, 20वां श्लोक, आज के सत्र का आखिरी श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ना प्रहिष्यते प्रियम प्रियम प्राप्यम ना उद्विजता उद्विजता प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ा ब्रह्मविद ब्राह्मणी स्थिति। तो जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोहरहित है, और जो भगवत विद्या को जानने वाला, वो पहले से ब्रह्म में स्थित रहता है। तो यहाँ पे एक आत्मसिद्धि व्यक्ति के लक्षण को यहाँ पे भगवान वर्णित कर रहे हैं। क्या है पहला लक्षण? ये है कि उसमें शरीर और आत्मत्व के तदात्म का भ्रम नहीं रहता। वो कभी ये नहीं सोचता कि वो ये शरीर है। वो जानता है कि ये शरीर और आत्मा जो है पृथक पृथक है। वो ये जानता है कि वो शरीर नहीं है बल्कि वो आत्मा है, और वो आत्मा का कार्य होने के कारण उसको उसका कार्य है भगवान की सेवा करना। वो स्वामी नहीं है, वो दास है। और कोई व्यक्ति जब इस स्थिति में पहुंच जाता है, वो समझ जाता है कि वो स्वामी नहीं है, दास है, तो क्या होता है, वो कोई भी वस्तु पाकर हर्षित नहीं होता, ना कोई अप्रिय वस्तु पाकर विचलित होता है। तो इसको कैसे समझे, तो जैसे बैंक का कैशियर,
तो बैंक का कैशियर अगर बैंक में कोई करोड़ रुपया अगर जमा कर देता है तो कभी हर्ष नहीं करता, नाचने गाने नहीं लगता। अगर कोई करोड़ रुपया जो है विड्रॉ कर लेता है तो भी वो दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये सब सारी विषय वस्तु किसकी है, ये सारी विषय वस्तु, ये सारा धन जो है बैंक का है। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि सारा कुछ जो है वो भगवान का है और इसके ओनर जो है भगवान है, तो वो कभी भी किसी चीज के आने से हर्षित नहीं होता और किसी चीज के जाने से वो दुखी नहीं होता। और इसी के कारण चूंकि वो भगवान से साथ अपने संबंध को जानता है, इसके लिए वो स्थिर बुद्धि रहता है और मोह रहित होकर के वो भगवत विद्या को जानने वाला रहता है। भगवत विद्या को जानने का अर्थ है कि वो भगवान के साथ अपने संबंध को जानता है और वो जानता है कि इस संबंध को बनाना ही, इस संबंध के ऊपर कार्य करना ही उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है वो बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी बढ़ाना ही उसके मुख्य जीवन का उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना। और वो उसी मार्ग पर चलता रहता है। भगवत प्राप्ति करने का जो मार्ग है इस कलयुग में वो है ABCD, ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, सी फॉर चैंटिंग और डी फॉर डायट। ऐसे एसोसिएशन किसका? भगवान के भक्तों का। तो ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या करता है? भगवान के सिद्ध भक्तों का शरण लेता है, उनका संग लेता है। और वो किसी विषय व्यक्ति का संग नहीं लेता, सिर्फ भक्तों का संग लेता है। और उनसे किसके विषय में सुनता है? भगवान के विषय में सुनता है और उनके विषय में जिज्ञासा करता है। बी फॉर बुक्स, कैसी बुक्स पढ़ता है वो? क्रिकेट सम्राट, इंडिया टुडे, ये सब नहीं पढ़ता। वो भगवत भक्ति से संबंधित बुक्स को पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है। सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग यानी भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डी फॉर डाइट, डायट माने कृष्ण प्रसाद, वो कृष्ण प्रसाद को छोड़ करके और कुछ नहीं खाता। तो यहाँ पर आधिकारिक रूप से हमारा सत्र जो है समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गया है। और आप लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पे जो भी लक्षण दिए गए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के या आत्म सिद्ध व्यक्ति के, तो हमें जानने का ये प्रयास करना चाहिए, समझने का ये प्रयास करना चाहिए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जानना। कई बार जैसी चीजें जो बार बार जो बार बार ऐसे लग रहा है कि बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है कि यही जो चीजें हैं, यही जो मूल चीजें हैं, कोई अलग से कोई ज्ञान नहीं है। यही ज्ञान जो है भगवान बार बार पांचवें छठे अध्याय में हर जगह जो है इसी विषय में बताते रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि जिससे हम समझें कि ये मनुष्य जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है बहुत ही हायर कॉज के लिए, कोई तुच्छे कॉज के लिए नहीं है। और उस कॉज को, उस क्रिया को, उस उद्देश्य को कैसे पूरा करना है, ये हमें समझने का प्रयास करना होगा, ये हमें जानने का प्रयास करना होगा। और ये कैसे कर सकते हैं, उच्च कॉज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब आप भक्तों के संग में रहते हैं, जब आप भक्तों से श्रवण करते हैं, जब आप भगवान के लिए सारा कुछ कार्य करते हैं, भगवान के निमित्त सारा कुछ कार्य करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कलयुग का युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान के पवित्र नामों का जप, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। तो मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो है प्रतिदिन कम से कम 108 बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रतिदिन जो है कम से कम एक श्लोक का जो है आप अनुवाद और तात्पर्य के साथ उसका पठन करिए। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा आपको उत्तर देने के लिए। तो आज हम समय समय की बाध्यता को देखते हैं, यहाँ पे कोई प्रश्न उत्तर ले लेंगे और यहीं पे सत्र को समाप्त करते हैं। आप लोग से अनुरोध है अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका लाभ ले सके। तो यहीं पे सत्र को समाप्त करते हैं। भगवद्गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर मेरी कोई बात जो है आप लोगों को बुरी लगी हो या कोई कटु लगी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए। आप सभी को धन्यवाद।